नमस्कार, मैं विजय सरकार आपका स्वागत करता हूँ जगन्नाथ लीलामृत चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, या फिर आप मेडिकल में एडमिट है, तो आप अपने आप को कैसा हील करें और आपका मानसिक स्तर में आपको कैसा प्रिपेयर होना चाहिए और आपका शारीरिक स्तर से आपको कैसा प्रिपेयर होना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए जिससे आप बहुत जल्दी रिकवरी हो सके। ठीक है, हमारे शरीर सिर्फ और सिर्फ दवाई से ठीक नहीं होता, इतना याद रखना चाहिए। और इसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर है जो हमारे ये जो रोग है इसको कैसे ठीक करें। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे फैक्टर है, उसमें से एक है आपका तत्व शुद्धि, और एक है चक्र शुद्धि, और एक है आपका कार्मिक अकाउंट। ये सारे अकाउंट या फिर ये सारे तरीके हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आप जरूर याद रखिएगा। क्या है वो बात? कि आप खुद पॉजिटिव रहिए। आप खुद कैसे पॉजिटिव रहेंगे? आपका जब एटमोस्फियर ही नेगेटिव हो गया है, जो भी आ रहे हैं रो कर जा रहे हैं, जो भी फ़ोन कर रहे हैं रो रहे हैं, या फिर सारे के सारे लोग नेगेटिव एटमोस्फियर में चले गए हैं और आपके पास आ रहे हैं तो रो रहे हैं, तो इनके बीच आप अगर रहेंगे तो आप पॉजिटिव नहीं हो रह सकते। याद रखिए हमेशा एक बात कि वो लोग क्यों रो रहे हैं। इंसानी फितरत ही ये है कि वो लोग सोच रहे हैं, मतलब वो नेगेटिव ही सोचते हैं, वो सोचते हैं आप मर जाएंगे इसलिए वो लोग रो रहे हैं। लेकिन आपको तो ज़िंदा रहना है, आप चाहते हैं आप ज़िंदा रहना, यस नो? तो आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। उनका कोई दोष नहीं, वो सोच रहे हैं आप मर जाएंगे, उसका बाद उनका क्या लॉस होगा इसलिए रोते हैं वो लोग। ये मर जाएगा तो मेरा ये लॉस हो जाएगा, ये मर जाएगा तो मैं इससे साथ कैसे टाइम पास करूँगा, या फिर ये कैसे मुझको देगा बहुत सारी चीज़, पैसा हो कुछ भी हो, या फिर मैं किसके साथ बात करूँगा, या फिर मैं किसके साथ मॉर्निंग वॉक में जाऊँगा, मैं किसके साथ खेलूँगा, किसके साथ मैं टाइम पास करूँगा, इसलिए वो लोग रो रहे हैं। तो ये मत सोचिए वो लोग क्या फील कर रहे हैं, ये फील सोचिए कि सबसे इम्पोर्टेंट है मैं क्या फील करूं। इसलिए आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें? अभी देखिए, जो भी दवाई आप खा रहे हैं, अभी जो भी डॉक्टर दे रहे हैं आपको दवाई, वो डॉक्टर पहले 5 साल MBBS किए, 6 साल MBBS किए, उसके बाद स्पेशलिस्ट भी वो है, आई मीन और उसके बाद 5 साल 6 साल यानी 10-12 साल उन्होंने इसके बारे में ठीक से पढ़े हैं, उसके बाद आपको एक दवाई दे रहे हैं। वो जो दवाई है, वो दवाई जो है उसमें हजारों बड़े बड़े साइंटिस्ट बनाते हैं, उसके बाद वो अप्रूव होता है, बहुत सारे लोगों के ऊपर ट्राई होता है। वो यही बीमारी जो आपको हुआ है वो बीमारी वो ठीक ही करेगा, उसके लिए सर्टिफाइड भी है, इतना भी याद रखिए। अगर आपका एलोपैथिक में ठीक नहीं हो रहा है तो आप होम्योपैथिक ट्राई कर सकते हैं, नेचुरोपैथिक ट्राई कर सकते हैं, आयुर्वेदिक ट्राई कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, नेचुरोथेरेपी, वाटर थेरेपी, मड थेरेपी, बहुत सारे थेरेपी है कोई भी, या फिर प्राणायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, या फिर आपका दिमाग से भी खरीद हो सकता है लिक्विड जो आपको ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाई कैसे काम करता है? होम्योपैथिक दवाई जब आपके जवान में आप डालते हैं, मुंह में डालते हैं, तब वो आपका ब्रेन को एक्टिवेट करता है और आपके ब्रेन में बहुत सारे केमिकल है, बहुत सारे केमिकल है, केमिकल का फैक्ट्री है, उसमें से जो केमिकल आपका बॉडी को चाहिए वो वाले प्रॉब्लम को हील करने के लिए, वो केमिकल खरीद होता है। सो आप खुद भी ये कर सकते हैं सोच के कैसे सोचें वो मैं जरूर आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपका एटमॉस्फेयर आप पॉजिटिव रखें। और जो भी आए आ रहे हैं आपको देखने के लिए उनको बोले आप मैं बहुत अच्छा हूँ, हंस कर बात कीजिए, या फिर सो जाइए। अगर वो रोने वाले हैं तो आप सो जाइए, बोले नहीं मुझे नींद आ रहा है मैं अब सो जाऊंगा, आप सो जाइए, हैं उनको टाटा कर दीजिए, वो लोग चले जाएं, क्योंकि वो लोग आपका एनवायरनमेंट को नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो कैसे आपको अपना ध्यान रखना है, तत्व सिद्धि कैसे करें। तत्व क्या है? हमारे शरीर 5 एलिमेंट 5 तत्व से है, एक है वायु, एक है मिट्टी, एक है आकाश, एक है तेज
अग्नि। और आकाश तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, ऐसा सब तत्व है। तो आप सबसे पहले तत्व शुद्धि अगर करना चाहते हैं, तो अगर आपका हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप अपने आप को पृथ्वी समझिए, या फिर पहाड़ पर्वत ऐसे ही सोचते रहिए। कुछ समय सोचते रहिए मैं पर्वत हूँ, मैं पहाड़ हूँ, तो आपका हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, ठीक है। और अगर आपका ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप क्या सोचेंगे? किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे मैं जल हूँ, सिर्फ आपके शरीर के अंदर जल ही जल है, ऐसे ही सोचिएगा। और सारे ब्रह्मांड में सिर्फ जल है और आप ही जल हैं, वाटर है, तो ऐसे ही सोचिएगा। और अगर आपका वायु रिलेटेड प्रॉब्लम है, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम है, श्वास रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप क्या सोचिएगा? आप वायु है, आपके अंदर सिर्फ वायु ही वायु है, ऑक्सीजन है या फिर वायु है, और सारे जगह सिर्फ वायु है और कुछ नहीं, सिर्फ वायु ही वायु है, ऐसा सोचिएगा। और आपका अगर दिमाग रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत सारे थॉट आ रहे हैं, बहुत सारे चिंता आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर है, ऐसा है, तो या फिर ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि आप आकाश है, सिर्फ आकाश ही आकाश है, आपके अंदर बस आकाश ही है, आकाश तत्व है, आप सोचेंगे, और आपका एकदम दिमाग एकदम शांत पड़ जाएगा। और ऐसे घंटों करना, दिन भर बेड में पड़े रहते हैं, क्या करेंगे? तो ऐसे ही सोचते रहिए मैं आकाश हूँ, आकाश हूँ, मैं आकाश हूँ, अंदर आकाश बाहर आकाश, ऐसे सोचते रहिए। अगर आपका हजम रिलेटेड, अग्नि रिलेटेड प्रॉब्लम है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप क्या सोचिए? आप सोचिएगा कि मैं अग्नि हूँ, अग्नि हूँ। तो अगर आप सोचेंगे मैं अग्नि हूँ, अग्नि हूँ, अग्नि हूँ, मेरा अंदर सिर्फ अग्नि जल रहा है, बाहर सिर्फ अग्नि है, तो ऐसा अगर सोचेंगे तो आपका अग्नि तत्व शुद्ध हो जाएगा और आप अग्नि रिलेटेड जो सारे प्रॉब्लम है वो आपका शांत भी हो सकता है, ठीक है। आप मिट्टी सोच सकते हैं, आप जल सोच सकते हैं, आप वायु सोच सकते हैं, आप अग्नि सोच सकते हैं, या फिर आप आकाश भी सोच सकते हैं, या फिर ये सारे चीज़ आप सोच सकते हैं। 10 10 मिनट, 20 20 मिनट ऐसे सोचते रहिए, दिन भर खुश हो जाएंगे आप एकदम। और ऊपर से एक एनर्जी आ रहा है आपके पास, या फिर भगवान से एक एनर्जी आ रहा है जो आपके दिमाग या फिर आपके सर में प्रवेश कर रहा है और आपके पैर से निकल रहा है, ऐसे ही सोचते रहिए। हमेशा भगवान के और एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर रहा है, बहुत जोर से प्रवेश कर रहा है, और वो एनर्जी आपको हील कर रहा है। आपका दिमाग में या फिर आपके ब्रेन में जो केमिकल है, वो केमिकल में पर्टिकुलर वो जो केमिकल है जो आपके अंदर चाहिए, तो वो सारे केमिकल दिमाग रिलीज कर रहा है और आप एकदम ठीक हो रहे हैं। ऐसा करके सारे पशु अपने शरीर को ठीक कर देते हैं, और हमको मेडिकल में जाना पड़ता है, टेबलेट खाना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है। आप सोचिए, बस सोचिए मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, बहुत एनर्जी आ रहा है ऊपर से, और भगवान का एनर्जी आ रहा है या फिर भगवती का एनर्जी आ रहा है, वो मेरे को एकदम ठीक कर रहे हैं, एकदम ऐसे ही सोचते रहिए दिन भर। उसके साथ साथ मैं वायु हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं जल हूँ, मैं आकाश हूँ, ऐसे ही सोचते रहिए, तो आपका घंटों बीत जाएगा, और शांति से और खुशी से और एनर्जी से, क्योंकि भगवान से जो एनर्जी आ रहा है वो एकदम ही बहुत ही अच्छा एनर्जी आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी, ऐसे खुशी का एनर्जी आ रहा है, आनंद का एनर्जी आ रहा है, भगवान के आशीर्वाद आपके ऊपर है, ऐसा है एनर्जी आ रहा है। अच्छा, और एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, उसको कैसे डील करें? कि आपका चक्र रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। चक्र यानी आपके अंदर जो एनर्जी प्रोवाइड करता है आपके शरीर में, वो शायद ब्लॉक हो गया है। सो, अगर ऐसा हो गया है तो आप क्या करेंगे? आपका मूलाधार चक्र, मूलाधार यानी आपका रीढ़ का सबसे आखिरी जो हड्डी है वहाँ पर मूलाधार चक्र है, ठीक है। वहाँ पर चार पेटल है, पेटल यानी ब्लेड है, आपका फैन आप देखते हैं ना, उसमें तीन पेटल है, यहाँ पर चार पेटल है। यहाँ पर आप फील करिए कि यहाँ से एनर्जी आ रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रहा है। तो हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम है, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऐसे जो प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, इस भी यहाँ से ठीक हो जाएगा,
तो यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रवेश कर रहा है, जो एनर्जी आपका आपको लग रहा था कि आपके दिमाग में प्रवेश कर रहे, वही एनर्जी को आप आवाहन कीजिए, भगवान आइए, भगवती आइए, गुरुदेव आइए, और आप मेरा ये मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर दीजिए। ऐसा आप सोच सकते हैं, 10 मिनट सोचिए, ऐसा बहुत सारे एनर्जी आ रहे हैं और आपका मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रहा है। ऐसा आप सोचते हैं, 10 मिनट सोचिए, उसका बाद स्वादिष्टान चक्र हाँ, और स्वादिष्टान चक्र आप क्या करेंगे, आप मूलाधार से 4 उंगली ऊपर, यानी नाभि से 4 उंगली नीचे, 2-3 उंगली नीचे और मूलाधार से 2-3 उंगली ऊपर, वहाँ पर आपका एनर्जी प्रवेश कर रहा है। वहाँ पर बहुत सारा एनर्जी प्रवेश कर रहा है और आपको एकदम एनर्जाइज कर रहा है, ऐसा आप सोच सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे रोग ठीक होता है, यहाँ पर अगर ये सारे फेटल खुल जाए, उसका बाद मणिपुर चक्र में आप सो सकते हैं 5-10 मिनट के बाद। एनर्जी बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी आ रहे हैं, खुशी का एनर्जी आ रहा है, तत्व शुद्धि का एनर्जी आ रहा है, सारे पोर्टल को खुल रहे हैं, तो आप उसके बाद मणिपुर चक्र में जाइए। मणिपुर यानी नाभि वाले चक्र, नाभि के आगे भी एक चक्र है, नाभि के पीछे भी एक चक्र है, वहाँ पर एनर्जी प्रवेश कर रहा है और आपका मणिपुर चक्र एकदम साफ कर रहा है, हाँ वो एकदम एनर्जाइज कर रहा है। ऐसा आप सोचते रहिए 5-10 मिनट। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद क्या चक्र है, नाहत चक्र है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, तो नाभि रिलेटेड जो प्रॉब्लम है मणिपुर चक्र, वहाँ पर हजम रिलेटेड प्रॉब्लम है, गैस हजम वहाँ पर था, और यहाँ पर क्या है, अनाहत चक्र में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो आप फील कीजिए कि आपके हार्ट के अंदर या फिर आपके अनाहत चक्र में बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश कर रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी, हंसी खुशी आनंद और भगवान खुद ही प्रवेश कर रहे हैं ऐसे। और प्यार कीजिए, हर किसी को प्यार कीजिए और सबको प्यार कीजिए, हैं ऐसे ही फील कीजिए। और फील करते करते आप उसका बाद क्या करेंगे, आप उसका बाद कौन सा चक्र आता है, गले का चक्र आता है, उसका बाद गला गले का चक्र आता है, थ्रोट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है विशुद्धि चक्र आता है, 3 पेटल है और छोटे से 3 पेटल और बड़े भी बहुत सारे पेटल है, वहाँ पर भी बहुत एनर्जी है आपका। थायराइड फायराइड जो होता है, वह सब के लिए आप गले का चक्र में फील कीजिए। विशुद्धि चक्र में बहुत सारे एनर्जी प्रवेश करे, भगवान की शांति आनंद प्रेम खुशी हीलिंग एनर्जी आपके गले में प्रवेश करे, ऐसे आप फील कीजिए। उसके बाद क्या चक्र आता है, उसके बाद आपका आज्ञा चक्र आता है, यानी 2 आँखों के बीच में, कपाल में 2 आँखों के बीच में, ये एक आज्ञा चक्र है। तो आज्ञा चक्र में बहुत सारे भगवान जी के एनर्जी आ रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी आ रहे हैं, हीलिंग एनर्जी आ रहे हैं, आपका आँख, आपका ब्रेन, आपका दांत, आपका नाक, ये सारे, और आपका शरीर एकदम ठीक हो रहा है, एनर्जाइज कर रहा है। आप ऐसा फील करिए 10 मिनट। उसका बाद क्या चक्र आता है, सहस्रार चक्र आता है, सहस्रार चक्र यानी सर के ऊपर, आपके तालु में ये सहस्रार चक्र है। यहाँ पर फील कीजिए सारे के सारे एनर्जी, भगवान जी के हीलिंग एनर्जी, प्रेम एनर्जी, खुशी एनर्जी, आनंद की एनर्जी आपका सहस्रार चक्र में प्रवेश कर रहे हैं, आपको एकदम हील बना रहा है। जो भी केमिकल चाहिए आपके बॉडी को ठीक करने के लिए, वो सारे केमिकल इसके अंदर है और ये आ रहा है, बहुत तेज़ी से आपका शरीर ठीक हो रहा है। आप ऐसा सोचिए, आपका बहुत सारा टाइम अच्छे से पास हो जाएगा, दिन भर पास हो जाएगा, आप खुश भी रहेंगे। और सबसे अगर आपका कार्मिक रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कर्म ही खराब है इस जन्म में हो या फिर अगले जन्म में हो, तो उसको कैसे ठीक करें, उसको नचिकेता अग्नि कहते हैं। तो नचिकेता अग्नि यानी क्या, लव एवरीवन, लव योरसेल्फ, फॉरगिव एवरीवन, फॉरगिव योरसेल्फ, एक्सेप्ट एवरीवन, एक्सेप्ट योरसेल्फ, ऐसा करना है। तो ऐसा कैसे करना है, दिन भर कैसा करना है इसको, तो आप हर किसी को प्यार कीजिए, दुश्मन को भी प्यार कीजिए, अपने आप को भी प्यार कीजिए, सारे के सारे लोगों को प्यार कीजिए, ब्रह्मांड में जितना जीव है, जंतु है, पृथ्वी है, आकाश है, हर हर किसी को प्यार कीजिए, और अपने आप को भी प्यार कीजिए।
अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार कीजिए। मेरा शायद ये अंग खराब है, लेकिन मेरा पैर ठीक है, मेरा हाथ ठीक है, मेरा उंगली ठीक है, मेरा सर ठीक है, मेरा आँख ठीक है, मेरा जवान ठीक है, ये सारे चीज़ को कब प्यार करेंगे? जब ये खराब हो जाएगा तब इसको प्यार करेंगे, इसको ढूंढेंगे, इसके लिए सोचेंगे, इसके लिए दुखी होंगे? नहीं, अभी इसको लव एनर्जी भेजिए। हैं, जो जो सब ठीक है उसको भी लव एनर्जी भेजिए, जो जो सब खराब है उसको भी लव एनर्जी भेजिए। सो अपने आप को भी प्यार कीजिए, और क्या, सारे लोगों को प्यार कीजिए, ऐसा कीजिए। और उसके बाद कहिए लव योर सेल्फ और एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट एवरीवन। आप अपने आप को भी एक्सेप्ट कीजिए। अभी रोग क्यों हो गया है? आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किए, मेरा ये खराब नेचर है, ठीक है तो है, नेचर भगवान से आया है या फिर नेचर से आया है, मेरा नेचर है ये है, एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ। अब भी मैं ऐसा ही हूँ, अपने आप को 100% एक्सेप्ट कीजिए, मैं ऐसा ही हूँ। और एक्सेप्ट एवरी वन द वे दे आर, और सामने वाले जो भी है ब्रह्मांड में उनका भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आप अपने आप को ही एक्सेप्ट करते, हाँ मैं ऐसा ही हूँ, तो वो ऐसा ही है, उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। हाँ वो ऐसे बात करता है, हाँ वो ऐसे फालतू बात करता है, हाँ वो ऐसा अच्छा बात करता है, करता ही करता है, उसका नेचर यही है। एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट एवरी वन द वे दे आर, ठीक है। लव योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, लव अदर, एक्सेप्ट अदर, फॉरगिव योर सेल्फ, फॉरगिव अदर। ये क्या है? आप अपने आप को क्षमा कीजिए, मैं ये सब कर चुका हूँ, ठीक है, मैं कर चुका हूँ, कुछ जान के किया, कुछ अनजाने में कर लिया है, लेकिन आई फॉरगिव माई सेल्फ। मैं अपने आप को एकदम फॉरगिव कीजिए, मैं अपने आप को क्षमा कर रहा हूँ, मैं अपने आप को क्षमा कर रहा हूँ, मैं अपने आप को क्षमा कीजिए। ऐसे 10-10 मिनट कीजिएगा, हाँ एकदम क्षमा, जो भी किया उसके लिए, सारे के लिए क्षमा। हाँ, अगर इस दुनिया में पत्ता भी हिलता है तो भगवान की इच्छा से हिलता है, तो ये इतना बड़ा काम हो गया, ये कि मेरा इच्छा से सिर्फ हुआ है, उसका भी कुछ कार्मिक अकाउंट था, मेरा भी कुछ कार्मिक अकाउंट था, किस जन्म का कार्मिक अकाउंट था उसलिए ऐसा हो गया है, हो गया है, हो गया है। अभी तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया है, मैं अपने आप को क्षमा कर रहा हूँ। हैं, और उसको भी क्षमा कीजिए, सामने वाले जो भी आपके साथ बुरा व्यवहार किए हैं, कुछ खराब किए हैं, उन सभी को क्षमा, और इस जन्म में भी क्षमा, अगले जन्म में, मतलब जितने जन्म हम ले चुके हैं आज तक उसके लिए भी माफ, जो भी मेरे साथ जो भी कर चुके हैं वो भी मेरा ही पाप था, उसलिए वो लोग मेरे को आके ऐसा पनिशमेंट देकर गए हैं, लेकिन मैं सभी को क्षमा कर रहा हूँ अभी, और मैं अपने आप को भी क्षमा कर रहा हूँ, और सभी को माफ़ी मांग लीजिएगा, अपने आप को भी माफ़ी मांग लीजिएगा। ऐसा एक्सेप्ट योर सेल्फ 10 मिनट, लव योर सेल्फ 10 मिनट, फॉरगिव योर सेल्फ 10 मिनट, एक्सेप्ट अदर 10 मिनट, लव अदर 10 मिनट, फॉरगिव अदर 10 मिनट। तो ये हो गया आपका कार्मिक रिलेटेड आपका साफ। सो ऐसे ही कीजिए, और सामने से जो आ रहे हैं वो लोग जैसे पॉजिटिव रहे, वो लोग कैसे पॉजिटिव रहेंगे अगर आप पॉजिटिव रहेंगे? और हमेशा एक ऐसा होता है कि जिसका भी कोई तबीयत खराब है वो सोचता है मैं कभी ठीक ही नहीं होऊंगा। ऐसा मत सोचिए, ये वाला दवाई लाइलाज नहीं है, इसका हजारों लोग इस विश्व में 750-800 करोड़ लोग हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों को आज तक ये बीमारी आया है और गया भी है। बहुत सारे हीलिंग मेथड्स है, बहुत सारे संजीवनी शक्ति है, बहुत सारे रेकी हीलिंग है, बहुत सारे एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, बहुत सारे है, और आपका दिमाग ही सबसे बड़ा डॉक्टर है। सो अगर आप ऐसा फील करते रहेंगे दिन भर, एकदम दिन भर एकदम फील करते रहेंगे कि आप एकदम ठीक हो रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी आ रहे, खुश भगवान से एनर्जी और लाइट एनर्जी आ रहा है, हीलिंग एनर्जी आ रहा है, आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, आपको ठीक कर रहा है, आप अच्छे हो जाएंगे, हैं, ऐसे ही फील करते रहिए, खुशी से एक कॉमेडी देखिए, ये वाला वीडियो तो ज़रूर हर रोज़ 2-3 बार सुनिए, आपका तबीयत सच में ठीक हो जाएगा। और जितना समय लगता है एक पेशेंट को ठीक होने में, शायद 1 साल लगता है, 6 महीने लगता है, लेकिन ये वाला वीडियो सुनने के बाद आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। और महामृत्युंजय मंत्र सुनिए, रेगुलर महामृत्युंजय मंत्र सुनिए, और पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, पॉजिटिव अपने लिए सोचिए,
और नेगेटिव कुछ मत सोचिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ लीला मंत्र चैनल सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।